कोरोना महामारी के बीच धर्मशाला नगर निगम ने बड़ा निर्णय लिया है। होटल कारोबारियों को 3 माह की प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है। छोटे कारोबारियों को जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है। धर्मशाला नगर निगम के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव को जारी लॉकडाउन के चलते पर्यटन व अन्य कारोबार प्रभावित हुआ है। ऐसे में सभी पार्षदों से चर्चा के बाद आम सहमति बनी है कि होटल कारोबारियों को 3 महीने की प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाए और छोटे कारोबारियों को जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही धर्मशाला नगर निगम की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनका टैक्स अप्रैल महीने में जमा होना था उन्हें जुलाई तक की छूट दी गई है। मेयर ने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लंबित प्रोजेक्ट के कार्य भी गति मिले इसके लिए भी काम किया जा रहा है। धर्मशाला नगर निगम में मनरेगा की तर्ज पर लक्ष्य योजना को पुनः शुरू किया जाएगा जिससे शहरी क्षेत्र के मजदूरों व कामगारों को घर द्वार पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। क्योंकि धर्मशाला पर्यटन पे ही हमारे जो होटलियर हैं उस पर डिपेंड हैं तो पर्यटकों के ऊपर, तो मेरी जो इनके प्रेसिडेंट है बांबा जी उनसे बात हुई थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर हमें 2-3 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट मिल जाए तो उनके लिए ठीक होगा। तो उस पर हमने चर्चा की है और हम जो अगला हाउस होगा उसमें हम अप्रूव करेंगे उन्हें 3 महीने का, हम जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें एग्जम्प्ट करेंगे उनको 3 महीने के लिए, ताकि वो लोग, उन लोगों को भी, क्योंकि ये समय ऐसा है कि सभी को हमने सहूलियत देनी है और सभी के साथ मिलकर काम करना है, तो हम अगले हाउस में 3 महीने के उनको टैक्स रिबेट करने के लिए अप्रूव करेंगे। होटल एसोसिएशन कांगड़ा के अध्यक्ष अश्विनी बॉम्बे व व्यापार मंडल धर्मशाला के अध्यक्ष नरेंद्र जम्बाल ने प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट के लिए सरकार व नगर निगम का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए होटल के बिजली के बिलों को भी कमर्शियल ना करके घरेलू दरों पर लिया जाए, क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं जिससे उन्हें लाभ हो रहा हो। मेयर धर्मशाला और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला ने ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम उठाया है। हमारी उन्होंने मांगों को एक समझा और हाउस में पास करने की हमसे बात कही है कि कम से कम 3 महीने के लिए हम हाउस स्टेप को बेवक कर देंगे। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे हिसाब से कि ये मुझे नहीं लगता कि 3 महीने के अंदर हमारा जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगी, होटल सब खुल पाएंगे, और कम से कम जब तक हमारी 30-35% को पैंपी लेवल नहीं पहुंचता है तब तक हमारा ये जो हाउस टैक्स का वेवर है उसको कंटिन्यू किया जाए। सेकंडली मुझे हिमाचल सरकार से एक निवेदन है, जैसे हमने हिमाचल सरकार को पहले भी हमने मेमोरेंडम दिए हैं कि ये जो कोविड के कारण होटल बंद पड़े हैं, हमारी जो बिजली के कनेक्टेड लोड हैं उस पर एक डिमांड चार्जेस लगाए जा रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू टोटल नील है। हम रिक्वेस्ट करेंगे अगेन कि जब तक हमारे होटल लॉकडाउन पीरियड है और अगले कम से कम 1 साल के लिए जो डिमांड चार्जेस हैं उसको भी ऑफ किया जाए, और जो बिजली की जो दरें हैं वो जो कमर्शियल रेट से ली जाती हैं उनको डोमेस्टिक रेट से लाया जाए।